सोनाक्षी सिन्हा शादी कर चुकी हैं जहीर इकबाल संग। उन्होंने इंटर रिलीजन शादी की है, मैरिज की है, और अब उनकी शादी की कुछ तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। 23 जून को ये शादी हुई, उसके बाद शाम को ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, और अब इन शादी के पिक्चर्स को देख लेने के बाद, शादी की खबरों के बाद, सोनाक्षी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, सोनाक्षी का जीना मुहाल हो गया है। असली सच्चाई अब सामने आ गई है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म में शादी रचाई है। ऐसे में कई लोगों को सोनाक्षी का ये कदम बिल्कुल भी समझ नहीं आया और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा ने भी जब अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की तो उन्होंने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि उनका क्रिटिसिज्म जरूर होगा, उनका सामना नेगेटिविटी से होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था, मगर उनके फैंस भी उनको बधाइयां नहीं दे पाए। लेकिन लोग तो जो ट्रोल करना चाहते हैं, जो ट्रोल करते हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से सोनाक्षी को ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार से बिलोंग करने वाली सोनाक्षी सिन्हा को तो वहाँ बैन कर दिया गया है। जी हाँ, वहाँ पे हिंदू संगठन वालों ने पोस्टर लगा करके सोनाक्षी और उनके फैमिली वालों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सोनाक्षी को बिहार में ना घुसने की धमकी भी दी है। वेल, आपको बता दें कि इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी सोनाक्षी को थ्रेट मिल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सिन्हा फैमिली क्या कुछ रिएक्शन देता है।